गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हम फर्स्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने नशीले पदार्थ का टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने गुटखा और तंबाकू के बारे में पढ़ा था कि गुटखा और तंबाकू का सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, उनसे क्या क्या हानियाँ हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज नेक्स्ट अगला जो नशीला पदार्थ है वो है मदिरा, जिसको आम भाषा में शराब कहा जाता है, एल्कोहल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मदिरा या जो शराब है वो कई तरीके से बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मार्केट में शराब उपलब्ध है, लेकिन सभी प्रकार की मदिरा में एक मुख्य घटक होता है, उनका एक मुख्य पदार्थ होता है नशीला पदार्थ, उसे एथिल एल्कोहल कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो मदिरा है, शराब है, मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है। तो मदिरा का जो मुख्य घटक है वो एथिल एल्कोहल है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C2H5OH, ये इसका रासायनिक सूत्र है। यदि एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि मदिरा का मुख्य घटक क्या है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप या तो एथिल एल्कोहल लिख सकते हैं या ये इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। एथिल एल्कोहल को एथेनॉल भी कहा जाता है, इसका और नाम है एथेनॉल, ठीक है। अब मदिरा का सेवन करने से जो होने वाला जो रोग है उसका नाम मदिरा का सेवन करने से वसीय यकृत रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग, ये आपको याद रखना है। इससे भी प्रश्न बनता है कि वसीय यकृत रोग किससे होता है, उसमें आपको बताना है मदिरा के सेवन करने से वसीय यकृत रोग होता है। अब हम इसके बाद में मदिरा से होने वाले इसके जो हानिकारक प्रभाव है कुप्रभाव के बारे में इसके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। तो मदिरा के सेवन से होने वाले कुप्रभाव, तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है कि ये जो मदिरा या जो शराब है, तो शराब पीने से शराब जो है रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंचती है और यकृत में एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल दिया जाता है, जो एक घातक विषैला पदार्थ है। इसमें पहला पॉइंट बताना है कि मदिरा रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंचकर एसिटाल्डिहाइड में बदल दी जाती है। एसिटाल्डिहाइड में बदल दी जाती है, ये विषैला पदार्थ एसिटाल्डिहाइड ठीक है। तो ये पहला इसका कुप्रभाव है। दूसरा इसका कुप्रभाव आपको ये बताना है कि ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल हमारे मस्तिष्क के ऊपर असर डालता है, तंत्रिका तंत्र के ऊपर, जिससे जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, ज्यादा सेवन करने से शरीर पर जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति लड़खड़ाकर चलने लगता है, उसका मस्तिष्क के ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। तो
दूसरा पॉइंट ये बताना है कि मदिरा का सेवन करने से, मदिरा का सेवन करने से मानसिक संतुलन कम हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, इसके सेवन से भी हमने पढ़ा था कि वसीय यकृत रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि जो लोग शराब पीते हैं तो धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है, बाद में वो रोज इसका नशा करने लगते हैं, तो रोज नशा करने से जो है पैसा खर्च होता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा समाज में उसकी जो इज्जत है वो भी कम हो जाती है, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचती है। तो ये इसमें चौथा पॉइंट बताना है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। तो ये जो है मदिरा के सेवन से होने वाले कुप्रभाव है, उसमें आपको ये चार पॉइंट बताने हैं। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, दो पॉइंट इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। मदिरा के बाद में अगला टॉपिक है अफीम, ओपिंग। तो अफीम, इसको हमारे यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में अमल के नाम से जाना जाता है। अफीम एक पौधे से प्राप्त होता है, इस पौधे का वानस्पतिक नाम अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो पेपेवर सोमनिफेरम है। पेपेवर सोमनिफेरम ये अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि अफीम जो है वो इसके पौधे पर एक फ्रूट लगता है, फल तरीके का फल है अफीम का। इस कच्चे फल में यहाँ पर एक कट सिरा लगाया जाता है, सिरा लगाने से यहाँ पर दूध के जैसा पदार्थ निकलता है, उस दूध के जैसे पदार्थ से अफीम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अफीम जो है, अफीम का प्रयोग कई प्रकार की दवाओं के निर्माण में किया जाता है, यानी इससे जो है कई प्रकार की दवाएं बनाई जाती है, इसलिए अफीम की खेती की जाती है। अफीम का जो फल से जो दूध प्राप्त होता है उसमें लगभग 30 प्रकार एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख एल्केलॉइड जो है, इनमें से कुछ प्रमुख एल्केलॉइड उनके जो नाम है मॉर्फिन, कोडीन,
इक्विटी कैरेक्टर वाली और सोमनी तेरा है। ये कुछ प्रमुख एल्कलॉइड्स है जो अफीम में पाए जाते हैं। इनमें से जो मॉर्फीन और कोडीन जो एल्कलॉइड है, मॉर्फीन व कोडीन एल्कलॉइड्स का प्रयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। मार्किंग और कोडिंग इन दो जो एल्कलॉइड्स हैं, इनका प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है, इसलिए अफीम की खेती की जाती है। लेकिन अफीम का जो दूसरा जो हानिकारक प्रभाव है कि अफीम से नशीले पदार्थ जैसे हेरोइन जो है अफीम से तैयार की जाती है, तो उसका जो है लोग नशा करते हैं। इसके अलावा अफीम जो है सुपारी के टुकड़ों के रूप में इसका नशा किया जाता है। नशा करने से धीरे धीरे व्यक्ति को उसकी लत लग जाती है। अफीम का प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। जब एक बार व्यक्ति को इसकी लत पड़ जाती है तो वो रोज जो है इसका नशा करता है। नशा करने से धीरे धीरे उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती जाती है और अंत में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। हमारे यहाँ पर गाँव में गम में या खुशी में अफीम जो है उसकी मनुवाद की जाती है, तो इससे भी व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसका आदि हो जाता है। इसके अलावा गाँव में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए जो है अफीम का टुकड़ा खिला देती है, जिससे बच्चे को नींद हो जाती है, नींद आ जाती है, तो इसका भी जो है बच्चे के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो अफीम जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशे के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो इससे बचने के लिए हमें गाँव में जाकर के समाज में व्यक्तियों को इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में बताना चाहिए कि अफीम का सेवन करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। उन नुकसान के बारे में अगर हम लोगों को बताएंगे तो वो इसका नशा नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा भी कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि वो अफीम को नशे के रूप में प्रयोग नहीं करे। ठीक है, तो नोट करो हो गया, चलो कुछ नहीं। बाकी खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है, हमारे जो दैनिक जीवन में हम कोई भी जो खाद्य पदार्थ काम में लेते हैं उनमें आजकल किसी न किसी पदार्थ की मिलावट की जाती है। तो इसी प्रकार से ये इसके अंदर है कि जो हम कोल्ड ड्रिंक जो यूज में लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ऐसे ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनसे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यदि वो रासायनिक पदार्थ यदि सही मात्रा में नहीं मिलाए गए तो उनसे हमारे शरीर में क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उनके बारे में हम देखें कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। ये हम जो है दांतों को नुकसान पहुँचाता है। ये अम्ल इतना तेज होता है कि इसमें लोहे तत्व को गलाने की क्षमता होती है, इसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। दूसरा पॉइंट कि जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल ये मिलाया जाता है जिसे मीठा जहर भी कहते हैं, इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक के अंदर शीशा एक तत्व है, इसको डाला जाता है। ये जो है गुर्दे मस्तिष्क लीवर मांसपेशियां इन सभी के लिए घातक है, यानी इनको ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन उपस्थित होता है,
कैफीन यदि ज्यादा मात्रा में है तो इससे अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार जो है कोल्ड ड्रिंक में ऐसे जो हानिकारक या जो रासायनिक पदार्थ अगर सही मात्रा में उपस्थित नहीं है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक से होने वाले हमारे शरीर पर जो है कुप्रभाव है उनके बारे में, तो ये हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए।